आदाब नाजरीन, शहर मैसूर में अजीज सेठ रोड की तरक्की को लेकर पिछले कई महीनों से, मैं कह सकता हूँ कि एक साल से भी कम अज कम, ये एक अजीब कैफियत पैदा हो चुकी है। शहर मैसूर में जब भी अजीज सेठ रोड का नाम लिया जाता है तो लोगों में एक तरह की बेजरगी की देखी जा रही है। आपको पता ही है इस रोड को लेकर क्या क्या हंगामा आ रही हुई, चाहे वो SDPE वालों ने किया हो या दीगर हंगामा किया हो, और कल रात के वीडियो ने मेरे जहन में कई सवाल पैदा कर चुके हैं। क्योंकि मेरे साथ जो बैठे हुए हैं आसपाशा पंडो, उन्होंने जब भी SDPE वालों ने कुछ बात कही तो उसके काउंटर स्टेटमेंट के लिए सामने आए, और ये बात SDPE वालों ने निशाना बनकर इनसे कहा था कि पंडो भाई आप हम हक की आवाज में शामिल हो जाएं, काउंटर स्टेटमेंट ना दें। तो इससे जवाब इन्होंने भी ये दिया था कि मैं जवाब मेरे काम से दूंगा, और ये भी कहा था कि इस हल्के के MLA इस रोड को लेकर बहुत ही संजीदा है और ये काम करके बताया जाएगा। इस तरह का ये बयान आपने देखा है। आज मुझे यहाँ आने का मकसद सिर्फ साफ साफ ये है कि आपने देखा होगा कल मैंने तनवीर सेठ की मिलाद बाग में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मैंने साफ तौर पर उनके स्टैंड को लेकर तनवीर सेठ से डायरेक्ट सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि इसको रुकाने वाले गांधीनगर से वगैरह की तमाम तफसीलत पेश की। मैंने उनको फौरन ये कहा कि सर वो जो गुजर चुका है उसका वक्त निकल गया है, अभी काम करने का वक्त है। तो उन्होंने उसका जवाब ये देते हुए कहा कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, और जिन लोगों ने रोका है उसका भी मेरे पास एविडेंस है और मैं बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ बात कर रहा हूँ। इस तरह का उनका बयान था। तो आखिर में मैंने आखिर में यही कहा कि इस रोड डेवलपमेंट और रोड वाइडनिंग को लेकर जो भी बात की जा रही है उसका भी खुलासा पेश करें, क्योंकि हर हाल में कौशिकनेस ने हमेशा यही कोशिश की है कि बिला झिझक कोई सियासतदान हो, कोई हो, उनके तरक्याती काम किस तरह हैं वो आपके सामने पेश कर सकूँगी, मेरी हमेशा की कोशिश थी। और आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि कल मैंने एक वीडियो देखा मदनी मस्जिद के सामने, एक बुजुर्ग, मुझे ये पता चला कि ये जो अयास पाशा पंडू बैठे हुए हैं उनके मामू हैं। मुझे अभी तक इनसे पूछ बात करने का मौका नहीं मिला है, मैं डायरेक्ट आपके सामने ही उनसे पूछूंगा कि वो क्या मामू हैं इनके। और इनके भाई हाफिज अकमल साहब ने भी इस रोड को लेकर अपनी फिक्र जाहिर की थी। लोगों ने मुझे क्योंकि मैं इनका हमेशा बहुत से इंटरव्यू लिया हूँ और इसको रोड को लेकर बहुत सी बातें किया हुआ हूँ, तो लाजिमन लोग मुझे फोन कर सवाल करने लगे कि आप एक तरफ पंडू भाई का इंटरव्यू लेते हैं और वो कहते हैं कि इस हल्के के MLA तनवीर सेठ के मदद से आने वाले दिनों में, वादा के बगैर मैं यही कहूँगा कि रिसेंट इन्होंने बयान दिया था कि मैं बहुत जल्द, वक्त बताऊँगा नहीं लेकिन काम करके दिखाया जाएगा, इस तरह का इनका बयान था। पंडू भाई आपसे मैं आज इसीलिए आया हुआ हूँ कि कल जो वीडियो में वायरल हुआ है, जिस तरह से बातचीत की गई है, मैं ये मानता हूँ कि लोगों का गुस्सा है, रोड को लेकर जो तकलीफ है उनका इजहार करना उनका हक है, चाहे कोई हो, उनका आवाम की जुबान दबाई नहीं जा सकती क्योंकि उनका हक है, उनका जो प्रॉब्लम्स है वो इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन हम यानी कौशल न्यूज इसके खिलाफ है कि किसी की जात पर, आपके हो या मेरे हो, मेरे घर वालों तक कोई भी किसी की बात करे तो यह ना हमारा मजहब इजाजत देता इसका, ना इंसानियत इजाजत देती, ना ये समाज इजाजत देता। आपसे मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि एक तरफ आप रोड की तरक्की की बात करते हैं और तनवीर सेठ को यानी आपका सरप्राइज बताते हुए इस रोड की तरक्की की बात करते हैं, तनवीर सेठ ने भी अपना बयान दिया है। मेरा सवाल ये है कि आपके मामू हैं क्या, वो कल जो वीडियो में थे वो मामू और भाई साहब जो मैं जानता हूँ हाफिज अकमल साहब, तो सर ये लोगों में कंफ्यूज है कि एक तरफ क्या आप ही की तरफ से ये हो रहा है, क्या ऐसा बात आई है, बताइए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फैसल भाई, सबसे पहले इंशाल्लाह इंसान एक दिन दुनिया छोड़कर दुनिया से जाना है जी, जो भी कहना है सियासत की बात एक तरफ रखी जाएगी, इंशाल्लाह सच्चाई की बात एक तरफ रखना, बिल्कुल यही जाने के लिए है। अगर सच बात करना है इंशाल्लाह आखिरी वक्त हर इंसान को धर्मा नसीब होना है, बस सियासती के मसले कई झूठ सच के कई किस्म के बयानात होते हैं, जो भी ये रोड के सिलसिले से जो भी गैर गलत जो SDPE वालों ने जो मेरे भाई को और एक मेरे और एक रिश्तेदार को जो भड़काया जा रहा है, मैं यूँ कहता हूँ बस उन SDPE वालों से, देखिए जो भी बात करना है MLA जी से डायरेक्ट बात कीजिए। ये बात मैंने कई बार उन लोगों को कहा है, इंशाल्लाह बहुत सारे SDPE वाले, फलाने मस्जिद साहब हो, उन्होंने भी रोड के सिलसिले से बहुत सारी बातचीत की, बस रोड की हद तक, लेकिन सच्चाई बात की कही गई है। लेकिन अज्जू बिरादर्स उन्होंने भी बात की, लेकिन उन्होंने भी पॉइंट के मुताबिक
उन्होंने भी बात किया है, उन्होंने भी सही बात की है, लेकिन चंद जो एसडीपी वालों ने जो सामने जो बहुत सारे मेरे एरिए के अंदर एक तीन चार आदमी हैं, बस इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत एसडीपी के अंदर वो बहुत मेहनत करते हैं, अल्लाह उनको नेक तौफीक नेक हिदायत दे, बस उन्होंने एक 60-70 जम कर बस इस मैदान के पास वहाँ से जो भी मिट्टी वगैरह डाला गया था वहाँ पर पिसल कर गिर गई। ये सही बात है, बेशक गिर गई है, बाकायदा उसको उठाया गया, उसको सभी के उसके बारे में उसके बाद चंद पूरे मिलकर इन्होंने जमकर एक 70-80 आदमी बस रोज 15-20 एक्शन ये हो रहे, ये हमें मालूम है इंशाल्लाह रोज में एक आदमी दो आदमी गिर जाता है, हादसा हो रहा है, हादसा बिल्कुल हो रहा है, ये सच्ची बात है, क्योंकि मैंने भी इस रोड के अंदर कई बार गुजर रहा हूँ, देख रहा हूँ, रोड की जद्दोजहद में लगा हूँ, जी जी रोड की जद्दोजहद में लगा हूँ। एमएलए साहब को भी मैं कई मरतबा बात किया, मैंने कल भी एमएलए साहब को बात किया, साहब किसी कीमत पर भी ये रोड चाहिए, बस लोगों के लिए बहुत तकलीफ है, बहुत सारे ये छोड़ो जहाँ पर भी बारिश पड़ता है तो कचरा से पड़ जाता है, एक गंदी नाली के कीड़े हैं। जो भी एमएलए को बोलना था, एमएलए के बारे में कहना था, बस जो एमएलए की बीबी के बारे में माँ के बारे में जो कहा जा रहा है ये सरासर गलत है। जो भी इंसान एमएलए के फैमिली के बारे में करता है ऐसे लोगों को कंट्रोल कीजिए, ताकि आने वाले दिनों के अंदर लोग अगर से देखेंगे तो अपनी पार्टी को खुद ताने मारेंगे कि एमएलए ने इतने आप जो मिलकर उसको ख़त्म करने की कोशिश की, उसको मारने के बावजूद भी उन्होंने माफ़ कर दिया, बिल्कुल, और हमला जो हुआ उसकी बात कर रहे हैं, हमला होने के बाद मारने के बावजूद भी उन्होंने एमएलए ने माफ़ कर दिया, बस इतने सारे गालियां दे रहे हैं। ये जनाब जमीर अहमद साहब जो भी बेंगलुरु के एमएलए हैं, अगर उनको कोई भी एक अगर से इंसान अगर से गाली देगा तो हिंदू मुसलमान सारे निकल कर इतना जवाब देते हैं, इतना जवाब देते हैं, बस वो सामने वाला माफ़ी जब तक नहीं चाहता जब तक किसी को जमीर भाई के आदमी नहीं छोड़ते। बस यहाँ के आदमियों के अंदर क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सामने बढ़ चढ़ कर कोई भी एमएलए का फॉलोअर्स ऐसा सामने नहीं आया, बस उन एसडीपी वालों से बात करने के लिए। जब भी एसडीपी वाले गैर गलत बोलते हैं तो सबसे पहले मैं आवाज़ उठाता हूँ, मैं हज़ार बार कह चुका हूँ, ना मैं एसडीपी से डर रहा हूँ ना उनके बाप से डरता हूँ, मौत हयात तो अल्लाह के हाथ में है, अगर से मेरी मौत लिखी है तो बाकायदा मैं मर भी सकता हूँ, लेकिन मैं कभी मेरी माँ ने कभी मुझे सिखाया नहीं कि किसी से डरना है तो सिर्फ मेरे रब से। बस मैंने रोड के मकसद से बात कीजिए, जो भी बात करना है रोड के मकसद से बात कीजिए, दूसरे तकाजे से कोई बात नहीं करना कर मैं हज़ार बार कहा हूँ, लेकिन इन एसडीपी वालों को शर्म नहीं आती, एमएलए के माँ बहनों तक जाते हैं। नहीं पंडित भाई, मेरा सवाल ये था कि कल का जो रात का वीडियो था वो एसडीपी वालों की जानिब से नहीं था, आपके खुद आपके मामू और भाई थे। वही तो बोल रहा हूँ, मेरा भाई एसडीपी वाला है, अच्छा मेरा रिश्तेदार एसडीपी वाला है, पूरे फलाने 50-60 आदमी एसडीपी वाले हैं, पूरे के पूरे वहां पर खड़े हैं, खड़कर उन लोगों को भड़का रहे हैं, क्या आप एसडीपी वालों के अंदर कोई मर्द का बच्चा नहीं है? अच्छा उस भड़काने में आपको वो दर्द नहीं लगा, वो लोगों की जो परेशानी थी? बेशक मैंने वहां पर आया, वहां पर बहुत सारे गंदे बात एमएलए को करने लगे, तो बाखदा मैं उन आदमियों के बीच में आया, पूरी पुलिस वहां पर थी, मैंने कहा ये क्या बात है, क्यों गालियां दी जा रही है, अरे देना है तो बाखदा एमएलए से बात करना है, एमएलए साहब घर में रहेंगे, रोड के सिलसिले से बात कीजिए, ये रोड का काम किस कौन खड़ा है, एसडीपी वालों ने 2002 में जब हमने 3 करोड़ का काम हमने जब शुरू किया तो बाखदा 1,000-1,500 आदमी पूरे एल्टा बार के पास मिलकर कलाटा किए। अब यहाँ पर जो भी 2.5 करोड़ रुपए हमने लाया गया, मेरे हाफिज तक मोरी डाला गया है, यहाँ से मोरी डालने के लिए बस आप लोगों को मालूम है कौन काम रुका रहे हैं, बस मैं उनका नाम बार बार लेना नहीं चाहता, बस उनको मजबूती देने के लिए कौन काम कर रही है एसडीपी, और कह रहे हैं एसडीपी वाले हमने रास्ता क्लियर कर दिया, हमने रास्ता बड़ा कर दिया, हमने छोड़ दिए हैं रास्ता डाल लेकर जाओ। अरे भाई अगर से हम रास्ता डालेंगे तो कल तार डालेंगे तो 1-1.5 महीने में आप आकर देखिए इंशाल्लाह पूरा बारिश के मार से वो रोड निकल जाएगा। अच्छा ये बात कल तनवीर सेठ ने भी खुद कही, उन्होंने ये कहा कि मैं
पैच वर्क क्या कुछ करना नहीं वाला हूँ, बल्कि करूंगा तो मजबूत काम करके निकलूंगा, ऐसे नहीं कि पैच वर्क करके मैं निकल जाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसी तरह का उन्होंने बयान दिया। उसी के सिलसिले से खैसर भाई, काम जो भी करना है एक अच्छा काम करना है। मैंने 4-5 मरतबा रोड पैचअप किया गया है जी, पूरे शांतिनगर, पूरे उदयगिरी से लेकर बड़ी कॉलोनी तक भी हमने मुकम्मल काम किया है। 4-5 मरतबा मैंने रोड का पैच किया है। बारिश के मार में निकल जाता है, देखिए गली 12, 13, 14, 15, 18 क्रॉस तक पानी जाता है। बस लोगों ने जब कपड़े धोते हैं तो पूरा नल खोल कर छोड़ देते हैं, जब वहाँ पर जो भी बर्तन वगैरह काम करते हैं तो वो पूरा नल खोल कर छोड़ देते हैं। पूरे रोडों में पानी आता है, पूरा रोड को लेकर निकल जाता है। मैंने बार बार घरों वालों से भी, गलियों वालों से भी कहा है कि बाहर पानी मत छोड़े। कितने बार बोले, अगर से यहाँ मेरी ट्रेन मेरी ऑफिस के बाजू से अगर 18 क्रॉस चले जाएगी तो इंशाल्लाह ये रोड का काम मुकम्मल हो गया जी। जब मोरी, जब ड्रेनेज का काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह हमारा मुकम्मल काम हो जाएगा। ड्रेनेज के लिए हमें सामने सिर्फ 10 सड़ी छोड़ने के लिए पूरों को शहीद कराया जा रहा है, पूरों को बलि दिया जा रहा है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, एरे के अंदर एक शैतान ऐसा बैठा है ताकि उन्हें 10 अड़ी छोड़ने के लिए पूरे एरे को लेकर पूरे एसजीपी वालों को कटा रहा है, कांग्रेस से लड़ा रहा है, फितना डाल रहा है, फसादात डाल रहा है। देखिए इतने इतने फैले लेकर आता है, जहां पर भी देखिए इतने फैले लेकर आता है। फर्स्ट उसे नहीं मालूम, इस रवीनी एरे के अंदर वो कहता है कि हमें परियारा दे दो। अरे परियारा रवीनी एरे के अंदर कैसा दिया जाता है, क्या बेस पर दिया जाता है? एमएलए एजुकेटेड हैं, डबल एजुकेटेड हैं, अगर वो परियारा अगर से मिल जाता तो बाखदा ला कर दे देते। रवीनी जगह है, बस 10 रुपये का यहाँ पर शांतिनगर के अंदर पेपर है, 10 रुपया। अब जो चल रहा है 100 रुपये का पेपर है। यहाँ का ज़मींदार RTC होना है, जब उसको परियारा चाहिए RTC होना है, फॉर्म नंबर 9 अकरब सब होना है, जो इरविन रोड के अंदर पूरा पेपर पूरा रजिस्टर के साथ में रहता है, वहाँ पर उनको पैसा मिला है। ये रवीनी जगह है, ये रवीनी जगह के अंदर 100 रुपये का पेपर लेकर बस हमने यहाँ पर बैठे हैं। इस जो हाफिज में मेरा पेपर है, बस एक पेपर है 100 रुपये वाला। बैंक के अंदर लेकर गए तो हमें 50,000 रुपये लोन कोई नहीं देता, तो हमें परियारा कैसे मिलता है? अगर ये हम सोच कर सामने वाला एक शैतान अगर से वो जगह 10 अड़ी छोड़ के दे देता तो इंशाल्लाह ये रोड आखदा मुकम्मल हो जाता। बस एक दो आदमी यहाँ पर बैठकर 10 सड़ी छोड़ने के लिए उन्होंने इतने सारे रूल्स को, इतने सारे कानून को उन्हें सामने ले लगा कर रख कर, लेकिन लोगों को इतने जो एक्सीडेंट हो रहे हैं बस उसके सिलसिले में जाएंगे। जो भी MLA के लिए, कॉर्पोरेटरों के लिए गाली दी जा रही है, अल्लाह बैठा है, इंशाल्लाह अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह ताला देख रहे हैं कि ये रोड के अंदर कौन कौन इस रोड के अंदर कितने हमें कितनी तकलीफ दिए हैं, कितना हमें सताए गए हैं। इस रोड ना कामयाब होने के आप सामने देखिए, आप सामने कम से कम 7-8 महीने के अंदर इलेक्शन का मामला शुरू हो जाएगा। एक मुद्दा चाहिए उनको, MLA को दिखाने के लिए एक मुद्दा चाहिए इलेक्शनों के अंदर, इन्हें MLA ने फलाना रोड का काम नहीं किया, देखिए ऐसे आदमी को वोट देंगे। वो सिलसिले से एक मुद्दा रखकर इन्होंने डेली दिने दिन एक एक मीटिंग चलती है, दिने एक एक दिन अपने SDP वालों को लाते हैं, गिरा देते हैं। देखो वो कैंडिडेट जो है बड़ी कॉलोनी के अंदर, जो मुश्ताक नाम का जो उसकी बीबी को खड़ाया था, उसकी बीबी वहाँ पर आकर गिरी। क्या बात है ये, कैसी बात है ये, SDP वाले ही गिरते हैं क्या? इस एरिए के अंदर आदमी नहीं है क्या? इस एरिए वाले आदमी नहीं गिरते क्या? यानी आपको ढोंग कहते हैं। अरे भाई इतने आदमी हैं, इतने हजारों के आदमी हैं शांतिनगर के अंदर, एक भी हमारे शांतिनगर के अंदर कहीं भी अगर से गिरकर कहीं भी एक स्टेटमेंट मुझे दिखा दीजिए, मैं यहाँ पर गिरा हूँ, यहाँ पर फलाना फलाना, मैं कारपेटर को गलाटा किया हूँ, MLA को गलाटा किया हूँ, दिखा दीजिए। खसूसन SDP वाले एक स्कीम को बनाया गया है, बस वहाँ पर SDP वाले मुश्ताक जो बड़ी कॉलोनी के अंदर है उसकी बीबी वो आते हैं गिरते हैं, ये सब नाटक कर रहे हैं, ये सब बना रहे हैं फिल्म। हाँ तकलीफ है, मैं मानता हूँ रोड के अंदर तकलीफ है, रोड की जद्दोजहद है, रोड डालने के लिए देखिए सरकार BJP सेंटर में BJP है, यहाँ पर BJP है, कॉरपोरेशन के अंदर BJP है। एक काम करने के लिए MLA को हमें हो कितनी दिक्कत चल रही है मालूम है क्या? लोग बोलते हैं रोड डालने के लिए, रोड डाल दीजिए, आज का आज बोले तो कल काम हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह वो रोड के पीछे हमारी मेहनत चल रही है, जद्दोजहद चल रही है। इंशाल्लाह बारिश के बहुत फोर्स पूरे
हिंदुस्तान के अंदर बारिश फैल चुका है, गांव गांव डूबने लगे हैं, सारे खेड़े पाड़े जितनी भी बस्तियां हैं, चाहे बॉम्बे हो, चाहे बिहार हो, यूपी हो, उठाकर देखिए न्यूज़, कितने बारिशें पड़ रहे हैं, कितना डूब रहा है, हालात कितनी बिगड़ रही है। बस मैसूर के अंदर एक ही रोड है ऐसा, शांतिनगर के अंदर जो बाकायदा यहाँ पर जो रोड को इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी, इंशाल्लाह अल्लाह से हमने ताजुद में भी हमने दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह इस रोड जल्द से जल्द आफियत का, रहमत का और बरकत का, हमने हर भी जब भी नमाज को जाएंगे तो जब से भी हमने दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्द से जल्द यहाँ का रोड होना है, क्योंकि एमएलए साहब भी वोट को आना है, मैं भी यहाँ पर वोट को आना है। देखिए यहाँ के आदमियों से हमें दुश्मनी नहीं है, अगर दुश्मनी होती तो 5 बार एमएलए को नहीं जिताया जाता, मुझे 3 बार यहाँ पर वोट दिया नहीं जाता। भाई हालात ऐसी है कि लाकर इन्होंने कोर्ट को जाते हैं, 10 सड़ी छोड़ने के लिए कोर्ट को जाते हैं, प्रताप सिम्मा एमपी साहब उनके पास जाते हैं, नागेंद्रा एमएलए वहाँ पर जाते हैं, रामदास जी कने जाते हैं, जाकर दिखाते हैं देखिए रोड बगैर कानून के रोड को फोड़ा जा रहा यहाँ का एमएलए ने, यहाँ के कारपोरेटर ने, वहाँ पर जाते हैं, जाकर बैठ कर मशवरा करते हैं, कर काम को रुकाते हैं। एमपी के पास बहुत बार जाकर वहाँ से फ़ोन कर दबाव डालकर वहाँ से काम रुकाए हैं। अच्छा पंडू भाई, पिछले बार आपने एसडीपी वालों से एक तरह से एक मशवरा दिया था कि वो तनवीर सेठ के यहाँ पहुँच कर इस मसले को ख़त्म करें, उसमें कुछ पहल हुई? देखिए कभी एमएलए के बारे में एसडीपी वाले कभी उसके घर तक नहीं गए, कभी बात नहीं किए, बस मेरा बोलने का मकसद यही है। देखिए जो भी आबाप एसडीपी वाले हो, चाहे आम पार्टी हो, एमएलए से जी से मिल लीजिए, जाकर उनसे बात कीजिए। उलमा के बारे में जो कह रहे हैं, देखिए इस्लाम इजाज़त इसलिए देता है जहाँ पर जो भी मुसलमान खड़ता है, जो भी कैंडिडेट जीतने वाला हो, गैर पार्टियाँ ना आ जाए, उसी के सिलसिले से उलमा ने बाकायदा एक कैंडिडेट चुनते हैं, फैसला लेते हैं, ताकि मुसलमान एक यहाँ पर काम कर सके, उसीलिए उन्होंने वोट के लिए निकलते हैं, बाकायदा कैंडिडेट को देखते हैं, यहाँ पर मुसलमान कैंडिडेट है, मैसूर के अंदर एक मुसलमान कैंडिडेट रहना बहुत ज़रूरी है, कर यहाँ पर आकर फैल कर उन्होंने तनवीर सेठ साहब को, सारे उलमा मेहनत करते हैं, वो चंद आदमियों ने कहते हैं उलमा को बुलाओ वोट डालने के लिए, क्या बात है, ये कैसी बात है उलमा के अंदर, अरे उलमा है इज्जत कीजिए उनकी, बस उन्होंने हर इंसान को बस दुआ भी करते हैं, बस हक के फैसले के बारे में कहते हैं उलमा को बुलाइए वोट के लिए निकलते हैं तनवीर सेठ के लिए, बस अब उन्होंने रोड डालने के लिए नहीं आते, कैसे बात है, ये सब सोच समझ कर बात कीजिए, ताकि साइक्लोन अभी 15-13 तारीख को शुरू होएगा, अभी बारिश है, ये महीना कंटिन्यू हो रहा है, इंशाल्लाह हमने रोड का काम करने के लिए हमने एमएलए पूरी मेहनत की गई है, इंशाल्लाह रोड का काम जब भी बारिश अगर से रुक जाएगा तो जैसा है वैसा हमने रोड डालने के लिए फैसला ले चुके हैं, इंशाल्लाह बजट भी पास हो गया है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह के लिए बस जो भी बात करना है इस एरिया के अंदर, बस एमएलए जी से उनसे बात कीजिए, उनके बारे में बात कीजिए, अगर उनकी फैमिली के अंदर या उनकी माँ हो या उनकी बीबी हो या उनके बच्चे हो, अगर कोई बात किए तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं आप लोगों को नसीहत भी दे रहा हूँ और अल्लाह के लिए भी कह रहा हूँ कि जो भी बात करना है, रास्ते के बारे में बात करना है, अगर उसके घर के बारे में या हमारे घरों के फैमिली के बारे में अगर से बात करेंगे तो इंशाल्लाह कानून आपको कहीं भी नहीं छोड़ेगा, कानून इंशाल्लाह आपके लिए सख्त से सख्त इंशाल्लाह आप लोगों को सज़ा मिलेगी। जो भी बात करना है रोड के सिलसिले से बात कीजिए, इंशाल्लाह आपको हम मौका नहीं देंगे, बहुत जल्दी इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ हमने भी कर रहे हैं, आप भी लोग दुआ कीजिए, जल्द से जल्द रोड के अंदर जितने भी हरकत बैठी है, इंशाल्लाह जितने भी यहाँ पर कांटे लगे हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत देकर जल्द से जल्द इस अजीत सेठ नाम का जो रोड है इसमें मुकम्मल हो जाए। मैंने बार बार यहाँ से दुआ भी करता हूँ, इंशाल्लाह लोगों के अंदर, मेरे एरिया के अंदर इंशाल्लाह आज तक भी कोई भी मेरे एरिया का आदमी इतने कम से कम 20 से 30 हज़ार, यहाँ से 20 हज़ार होशियानगर से 10-20 हज़ार शुमार मेरे एरिया के अंदर 35-40 हज़ार वोटर्स हैं, लेकिन कभी एमएलए के बारे में हो, हमारे बारे में हो, एक आदमी भी कभी भी एक गलत बात नहीं की,
چند لوگوں نے شرارت کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے جتاتا ہے, چاہے ایس ڈی پی ہو, چاہے کانگریس ہو, چاہے دڑا ہو, چاہے بی جے پی ہو, جسے بھی اللہ جسے فیصلہ کرتا ہے باقاعدہ اسے جتایا جاتا ہے. جو بھی بات کرنا ہے الیکشن کے سلسلے میں بات کیجئے, بس روڈ کے بارے میں اگر سے کوئی بھی فیملی کو ہمارے ہو یا ایم ایل اے کی فیملی کو اگر سے بات کریں گے تو انشاءاللہ قانون آپ لوگوں کو مکمل سزا دے گا. دیکھا آپ نے ایس پاشا پنڈو نے جہاں روڈ کے مسئلے کو لے کر ساری تفصیلات پیش کی, وہیں پہ یہ کہا کہ چاہے تنویر سیٹھ ہوں یا کوئی بھی ہوں, ان کی حد تک بات کرنا اسلام میں بھی اجازت دیتا ہے اور سماج میں بھی اس بات کی عزت دی جاتی ہے, لیکن اگر اس طرح کا ذاتیات طور پر حملہ کیا جائے تو یہ کہیں سے بھی کوئی نامناسب چیز ہے, اس طرح کا ایس پاشا پنڈو کا کہنا تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہاں پہ موجود ہوں, ہر آنے جانے والے کی تکلیف کو میں محسوس کر رہا ہوں, لیکن انشاءاللہ نا امید نہ ہو بلکہ اس کا کام جب تک نہ ہوگا ہم اس سے کمر بستہ رہیں گے, اس طرح کا ان کا بیان تھا. بس ہم بھی یہی اپیل کریں گے کہ اس روڈ کو لے کر جو بھی آپ کی ناراضگی ہے اپنی ناراضگی ضرور اظہار کریں, یہ آپ کا اپنا حق ہے, لیکن کسی کی ذاتی طور پر حملہ نہ کریں.